क्रिकेट खेल रहे दो नाबालिग को स्कॉर्पियो कार में अपहरण कर ले गए, शीशा तोड़कर आए बाहर। खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गौशाला के दो नाबालिग को स्कॉर्पियो कार से अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गए। वहीं उनके चंगुल से भागकर दोनों नाबालिग शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने देहात थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार राजकुमार पुत्र राम सिंह परिहार निवासी गौशाला थाना देहात ने बताया कि उसके दोनों पुत्र 9 फरवरी की दोपहर 12 बजे सूर्या होटल से पहले गेट के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी काले रंग के स्कॉर्पियो से अज्ञात व्यक्ति आए और बेटे पंजाब परिहार उम्र 22 साल, प्रदीप आदिवासी उम्र 11 साल निवासी गौशाला को बहला फुसला कर झांसा देकर ले गए। वहीं 10 फरवरी की सुबह 5 बजे शीशा तोड़कर दोनों भाग कर आए। वहीं जब तक कार ग्वालियर पहुंच चुकी थी, दोनों ने शिवपुरी आकर अपने परिजनों को बात बताई। परिजनों के साथ दोनों नाबालिग देहात थाना पहुंचे, वहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। पंजाब परिहार, कहां से आए हो? गौशाला से। क्या समस्या लेके आए? वो मतलब हम गए थे क्रिकेट खेलने, तो बॉल बाहर चली गई थी। वो कार वाले थे, स्कॉर्पियो वाले, उन्होंने हमको अंदर डाल लिए। ठीक है, कौन थे वो? क्या आप उनको जानते थे क्या पहले? नहीं। कितने बजे की घटना है? 12 बजे की, 12-1 बजे। कब की बात है? कल की। फिर क्या हुआ, आपको गाड़ी में रखा? फिर हम ग्वालियर चले गए, पता नहीं कहाँ थे। फिर शीशा टूट के हम भाग आए बस। कितने बजे? ये पता नहीं है कितने बजे पहुंचे हम रेलवे स्टेशन। सुबह आए। फिर सुबह आए? तो भाई ट्रेन से बैठे 8 बजे। हाँ भाई। तो कुछ तुम्हारे साथ कुछ मतलब व्यवहार, अभद्र व्यवहार भी हुआ है क्या? नहीं, जैसे मारपीट वगैरह? तो मारपीट तो नहीं की। तो तुम्हें कैसे लगा कि वो लोग ने तुम लोगों पर रेस्क्यू कर दिया? पता नहीं, वो तो मारने की धमकी दे रहे थे, कट्टा मट्टा ले थे बंदूक। तो तुम्हें वो जानते थे क्या पहले? नहीं। फिर इसके बारे में संबंधित थाने में इसकी शिकायत करी थी क्या? कोई सुनवाई नहीं, दो बार कोई सुनवाई नहीं करी। क्या चाहते हो? जी सुनवाई हो, पकड़े हुए थे। चाहते तो उनमें लगभग कितने लोग थे गाड़ी में? 3। 3 लोग? हाँ। गुलिया वगैरह कुछ याद है? हाँ, मोटे मोटे थे, लंबे लंबे बार थे। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी मतलब काली कलर की थी, स्कॉर्पियो वगैरह ऐसी। अच्छा,